तीन दोस्त भंडारे में भोजन कर रहे थे। उनमें से पहला बोला, काश हम भी ऐसे भंडारा करा पाते। दूसरा बोला, हाँ यार, सैलरी तो आने से पहले ही जाने के रास्ते बना लेती है। तीसरा बोला, खर्चे इतने सारे होते हैं तो कहाँ से करे भंडारा। उनके पास बैठे एक महात्मा भंडारे का आनंद ले रहे थे और वो उन तीनों दोस्तों की बातें भी सुन रहे थे। महात्मा उन तीनों से बोले, बेटा, भंडारा करने के लिए धन नहीं, केवल अच्छे मन की जरूरत होती है। वो तीनों आश्चर्यचकित होकर महात्मा की ओर देखने लगे। महात्मा ने सभी की उत्सुकता को देखकर हंसते हुए कहा, बच्चों, तुम रोज 5 से 10 ग्राम आटा लो और उसे चींटियों के स्थान पर खाने के लिए रख दो। देखना, अनेकों चींटियां मकोड़े उसे खुश होकर खाएंगे। बस हो गया भंडारा। गेहूं, बाजरे, ज्वार के कुछ दाने लो, उसे अपनी छत पर बिखेर दो और एक कटोरे में पानी भर कर रख दो। चिड़िया कबूतर आकर खाएंगे। बस हो गया भंडारा। गाय और कुत्ते को रोज एक एक रोटी खिलाओ और घर के बाहर उनके पीने के लिए पानी भर कर रख दो। बस हो गया भंडारा। ईश्वर ने सभी के लिए अन्न का प्रबंध किया है। ये जो तुम और मैं यहाँ बैठकर पूरी सब्जी का आनंद ले रहे हैं ना, इस अन्न पर ईश्वर ने हमारा नाम लिखा हुआ है। बच्चों, तुम भी जीव जंतुओं के भोजन का प्रबंध करने के लिए जो भी व्यवस्था करोगे, वो भी उस ऊपर वाले की इच्छा से ही होगा। यही तो है भंडारा। महात्मा बोले, बच्चों, जाने कौन कहां से आ रहा है और कौन कहां जा रहा है, किसी को भी पता नहीं होता और ना ही किसको कहां से क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी पता नहीं होता। बस सब ईश्वर की माया है। तीनों युवकों के चेहरे पर एक अच्छी सुकून देने वाली खुशी छा गई। उन्हें भंडारा खाने के साथ साथ भंडारा करने का रास्ता भी मिल चुका था।